एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। देश में शेर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर गिनती के रह गए, शिकार करने में बुरा लगता। कौन है भैया? ये एरिया का नया सब इंस्पेक्टर है। चले जाइए सर, आप उन पुलिस वाले को सिर्फ एक ही बार अच्छे से बोलते हैं। ऐसी धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। आइंदा से मेरे खिलाफ बगावत की कार्ड डालूंगा। आखिर कौन से टॉप 5 फैक्टर्स हैं जिन्होंने वांटेड को बना दिया एक ब्लॉकबस्टर फिल्म? वांटेड 2 में इन्हीं फैक्टर्स की कितनी सिग्निफिकेंस रहने वाली है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉलीग्रास स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। वॉन्टेड 2009 की ऐसी फिल्म है जिसने अपनी सक्सेस से हर एक थिएटर ओनर को सरप्राइज करके रख दिया। उस समय थिएटर ओनर्स ने काफ़ी लंबे समय से ब्लॉकबस्टर फिल्म का मुंह तक नहीं देखा था, लेकिन सलमान खान ने इन ओनर्स को खुश होने का एक ज़बरदस्त मौका दिया। फिल्म सिंगल स्क्रीन थिएटर में भी इतनी बार हाउसफुल हुई कि ओनर्स को मिड शो में ही हाउसफुल के नए बैनर रीप्रिंट कराने पड़ गए, जिस साइन को देखने के लिए वो अरसों से तरस रहे थे। सिर्फ ऑडियंस और थिएटर्स के लिए ही नहीं, बल्कि सलमान खान के करियर को बचाने में भी इस तेलुगु टू हिंदी रीमेक का काफ़ी बड़ा योगदान रहा। तो आगे जानेंगे वांटेड को मिली बेशुमार सक्सेस के मेन कारण, और साथ ही साथ वांटेड 2 के लिए पिच करेंगे इन्हीं रीजंस को। वांटेड ही वो पहली फिल्म थी जिसे ईद पे रिलीज़ किया गया था, और जब ये ब्लॉकबस्टर हुई तो सलमान खान ने इसे अपना ट्रेडमार्क स्टाइल ही बना लिया। साथ ही ये सलमान खान की पहली फिल्म थी जो एक्शन जॉनर में 100 करोड़ मिंट कर पाई हो, तो अनडाउटेडली इसका एक्शन ही सबसे बड़ी मेन स्ट्रेंथ था। वांटेड ने हार्ट पंपिंग एक्शन को बड़ी स्क्रीन पे कमबैक कराने का काम किया, और हर एक पंच और किक पे ऑडियंस की सीटी निकले बिना नहीं रह पाई। और साथ ही साथ ज़्यादा हैरानी की बात, सलमान खान ने अपने सारे स्टंट्स इसमें खुद ही परफॉर्म किए थे। तो आज के एक्शन स्टार सलमान, जिन्हें हम जानते हैं, वांटेड ने इस नए टाइप के एक्शन में इन्हें धमाकेदार शुरुआत दिलवाई थी। अब बात करें वांटेड 2 में एक्शन की इम्पोर्टेंस की, तो जनाब वो वांटेड ही क्या जिसमें हड्डी तोड़ एक्शन ना हो। आजकल सलमान खान एक्शन के मामले में फुल फॉर्म में है, तो निश्चित ही है कि वांटेड 2 आएगी माइंड ब्लोइंग एक्शन कोशेंट के साथ। नेक्स्ट फैक्टर रहा फिल्म का कैची म्यूजिक और हाई एनर्जी डांस सीक्वेंसेस। हालांकि गाने लिरिक्स के मामले में 19-20 तो ज़रूर थे, लेकिन आजकल के लिरिक्स स्टैंडर्ड को देखकर तो ये बेटर ही साउंड करते हैं। सलमान खान ने अपने एनर्जेटिक डांस परफॉर्मेंस से हर एक आइटम सॉन्ग में फ्रेशनेस ला दी, और इनका जलवा स्वैग तो आज तक भी फैंस के दिमाग में तरोताज़ा है। बात करें वांटेड 2 के पर्सपेक्टिव से, तो गानों के मामले में तो हमें उम्मीद है कि इसमें भी कैची और एनर्जेटिक गाने होने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए राधे ही ले लो, म्यूजिक चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन सलमान खान की डांस एनर्जी तो अभी भी अनमैचेबल है, और यही एनर्जी रिफ्लेक्ट वांटेड 2 में भी होगी। अब फाइनली ये फिल्म रही तेलुगु ओरिजिनल पोकरी की एक रिमार्केबल रीमेक। वैसे तो इसी स्टोरी को काफ़ी और लैंग्वेजेस में भी बनाया गया, लेकिन सबसे स्टैंड आउट परफॉर्मर रही सलमान खान की वांटेड। रीमेक होने के बावजूद भी सलमान खान ने इसमें अपना एक यूनिक स्वैग ऐड ऑन कर दिया, जिससे उन्हें एक ऐसा क्रेजी फैंडम मिला जो अब तक भी अनमैचेबल है। इसी परफेक्शन से वांटेड को रीमेक किया गया था,
कि इवन कुछ हिंदी ऑडियंस को तो अभी तक ये लगता है कि ओरिजिनल फिल्म वांटेड ही है जिसे तेलुगु में रीमेक किया गया है। बात करें वांटेड 2 की रीमेक होने के चांसेस की, तो बॉस चांसेस तो बहुत ही हाई है। सलमान खान और इवन मैक्सिमम बॉलीवुड स्टार्स यही फॉर्मूला फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक ऑलरेडी हिट रीजनल सिनेमा की स्टोरी लो, उसे हिंदी में बना दो, स्वाद अनुसार अपना ट्रेडमार्क स्टाइल फिल्म में दिखा दो और पेश कर दो पुरानी डिश विद न्यू गार्निशिंग। तो रीमेक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ओरिजिनल स्टोरी की होप अभी भी थोड़ी बहुत बची है। तो चलिए फिलहाल के लिए इसके बारे में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको अपने कोई सुझाव देने हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल पॉलीक्रास्ट स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज के स्क्रिप्ट राइटर हैं पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।